एमएचओ न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहते हैं कि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो लगातार 3 बार बनने वाले मंत्री और हैट्रिक मारने वाले मंत्री, क्योंकि इनकी सरकार ने भी हैट्रिक मारी है, अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। विज साहब, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक है हैट्रिक की आपकी। धन्यवाद। नहीं, हैट्रिक ही नहीं, मैंने चौका भी मारा विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में। 4 बार लगातार विदाउट ब्रेक MLA बनना, 1 बार में पोस्टमार्टम हो जाता बंदे का, और 7 बार मोहल्ले की जनता ने मेरे को बनाया, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। साहब, जिस प्रकार से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके साथ बहुत व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते नजर आए, उससे लोगों में काफ़ी अच्छा मैसेज गया। देखिए, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैंने शुरू से राजनेताओं को फॉलो किया, देखा मैंने, कई आए, प्रधानमंत्री आए, चले गए, और जो मैंने मोदी जी को देखा, जिस प्रकार से उनकी सोच है, जिस प्रकार से वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस प्रकार वो हर वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस प्रकार से हर दुखी जो कमज़ोर है, गरीब है, उन पर उनकी निगाह है, बहुत कम लोगों में आते हैं। मैं उनकी प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ा। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, दो बड़ी ताकतें, और कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण, मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में मौजूद हों, तो हरियाणा के लिए तो गौरव की बात है। नहीं, ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये सारे देश की राजनीति को दिशा देगा कि आज तक सरकारें अक्सर नेगेटिविटी के आधार पर बन रही, भैया उस सरकार ने खराब काम किया, इसको हटा दो, दूसरी बना लो, यही तो हुआ है आज तक। ये पहली बार है कि पॉजिटिविटी के कारण कोई, ये सरकार ने अच्छा काम करा, इसको दोबारा लाओ। हालांकि हमारे खिलाफ बहुत प्रचार किया गया, जो हमारे विरोधी थे वो कई कई फुट उछलते थे, एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, कहाँ गए एंटी इनकम्बेंसी? लोगों को आप क्या समझते हो, आपको लोगों का पता ही नहीं है। लोग पूरी तरह से निगाह रखते हैं और पूरे 5 साल निगाह रखते हैं कि सरकार क्या काम करती है, उसके बाद आखिरी दिन जाके वो रिजल्ट निकालते हैं। और लोगों ने सब सोच के समझ के, लोगों को समझना चाहिए, देश के राजनेताओं को समझना चाहिए कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत जवान हो चुकी है, वो बच्चे नहीं हैं। अनिल विज की वरिष्ठता को पूरा ध्यान रखा गया जब मंत्रिमंडल में आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री के बाद सेकंड नंबर पर बुलाया गया? नहीं, वो तो होता ही है, जो सीनियरिटी के हिसाब से ही बनाया जाता है, तो क्योंकि मैं सीनियर था तो शायद इसीलिए मेरे को पहले उन्होंने बनाया। क्या मंत्रिमंडल में जाति और भौगोलिक सब स्थितियों को समझकर मंत्रिमंडल बनाया गया? देखिए, मुझे जो जातिगत बातों का मुझे ज्ञान नहीं है ज़्यादा, मैं तो काम के आधार पर बात करता हूँ, और जितना मैं जानता हूँ, जितने लोगों को कैबिनेट में स्थान दिया गया है, बहुत ही सोच विचार के दिए गए, सारे काम करने वाले लोग हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे, सब मिलजुल कर बहुत अच्छा प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। सब हमारी शुभकामनाएं। तो ये हैं अनिल विज, 7वीं बार विधायक बने हैं, बतौर अगर कहा जाए मंत्री इन्होंने हैट्रिक लगाई है, और लगातार ये चौका भी मारा, 4, 4वीं बार विधायक भी लगातार अम्बाला छावनी से कंटिन्यूटी में बने हैं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।